हेलो नमस्ते, मेरा नाम कविता शर्मा है और आज हम ज्योग्राफी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। पहले हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था लास्ट क्लास में विश्व की झीलें, वर्ल्ड्स लेक, और आज हम पढ़ेंगे इंडिया की लेक, जो भारत की झीलें हैं। तो लेट्स स्टार्ट। भारत की झीलें, इंडियाज़ लेक। भारत की झीलें कौन सी हैं? सबसे पहले है जम्मू कश्मीर की झीलें, ठीक है। जम्मू कश्मीर की झीलें, जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी झीलें हैं। वूलर झील, वूलर झील है, ताजे पानी की झील है ये वूलर झील, मीठे पानी की। वूलर झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नगीना झील, डल झील, मानस बल झील, अंचार झील। देखो वूलर झील तो आपको पता ही होगा, ये तो मीठे पानी की है और काफ़ी फेमस है। एक डल झील है, ये भी काफ़ी फेमस है, वूलर मीठे पानी की है। और जहाँ भी कहीं नाग नाग नागिन आए, वो समझ लीजिए जम्मू कश्मीर की झीलें होती हैं, ठीक है। मानस बल झील और अंचार झील, ये सभी हैं जम्मू कश्मीर की झीलें। भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील है, ठीक है। सेकंड उड़ीसा, उड़ीसा हमारा, ये हमारा मैप है, ऐसे ये हमारा मैप। तो हमारा उड़ीसा इस साइड पड़ता है, ठीक है। ये हमारा ओशियन हो गया, बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ से पानी जाता है, तो ये कट होके ऐसे आता है। तो यहाँ पर एक झील बनी हुई है जो खारे पानी की झील है, ठीक है। इसको लेगून झील भी कहा जाता है। यह झील खारे पानी की एक लेगून झील है, जो समुद्र का पानी यहाँ पर जो भर गया है काफ़ी टाइम सालों से, तो ये झील बन गई है, ठीक है। उड़ीसा की वूलर झील, लेगून झील है, चिल्का झील जो एक लेगून झील है। मणिपुर, मणिपुर की झील कौन सी है? लोकटक झील, ठीक है। राजस्थान की, राजस्थान में भी काफ़ी झीलें हैं और इम्पोर्टेंट है। राजसमंद झील, लून लूनकर सर झील, फतेह सागर झील, पुष्कर झील, सांभर झील। पुष्कर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सांभर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पिछोला झील, जयसमंद झील, नैनी झील, नैगी झील सॉरी, ठीक है। राजसमंद, लूनकर सर झील, फतेह सागर, पुष्कर झील, सांभर झील, पिछोरा झील, जयसमंद झील, नैगी झील। और जो सांभर झील है, यह है भारत की अंतरस्थलीय इनलैंड सबसे बड़ी झील खारे पानी की है। जो सांभर झील है ये खारे पानी की है और अंतरस्थलीय है, मतलब एक स्ट्रेट के अंदर है, तो ये खारे पानी की झील है सांभर झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की वूलर झील है, खारे पानी की सांभर झील। ओके, उत्तराखंड पे चलते हैं अब हम। उत्तराखंड की झीलें, उत्तराखंड की झीलें, देवताल झील, सात ताल झील, राक्षस ताल झील, खरपताल झील, नैनीताल झील, मालाताल झील। जैसे हमने जम्मू कश्मीर में पढ़ा था ना कि नाग नागिन जहाँ पर जाता रहते हैं वो जम्मू कश्मीर की होती है, और जहाँ पर ताल तलैया आते हैं ना वो उत्तराखंड की झीलें होती हैं, ठीक है। महाराष्ट्र की लोनार झील, महाराष्ट्र की लोनार झील है, ये ज्वालामुखी उद्गम झील है। जो वो महाराष्ट्र में ये लोनार झील है, इससे पहले यहाँ पर एक ज्वालामुखी था, ठीक है। ये इसका क्रेटर हो गया, ये ज्वालामुखी के अंदर का लावा है, ये ज्वालामुखी का पार्ट हो गया जो एक गहरा होता है, ठीक है। तो ये इसमें काफ़ी टाइम तक कोई विस्फोट नहीं हुआ था, तो ये शांत ज्वालामुखी था। तो धीरे 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 इसमें काफ़ी टाइम पहले, बहुत साल पहले, तो बारिश का पानी इसके अंदर भर गया, तो भरते भरते ये ज्वालामुखी भी शांत हो गया और इसके अंदर पानी भरता गया, तो जिसके कारण ये एक झील बन गई है। तो ये ज्वालामुखी वाली झील है, ठीक है, लोनार झील। सिक्किम की चोलामू झील, जो सिक्किम की चोलामू झील है, ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, ठीक है।
तमिलनाडु की पुलिकट झील और आंध्र प्रदेश की कुलेरु झील। ठीक है, तमिलनाडु में पुलिकट झील है, लैगून झील है जो समुद्र के रास्ते से एक झील बन गई है, जो मैंने बताया था अभी। ठीक है, कुलेरु झील ये मीठे पानी की है, ये खारे पानी की है, लेकिन कुलेरु झील है वो मीठे पानी की एक लैगून झील है, ये भी लैगून झील है। ठीक है, और एक पुलिकट जो ये लैगून झील है, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर, दोनों स्टेट की सीमा पर पड़ती है। ठीक है, तो ये इसका ये पुलिकट का कुछ हिस्सा तमिलनाडु में और कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश में। केरल, केरल की झीलें वेम्बनाड झील, पेरियार झील, अष्टमुड़ी झील, अष्टमुड़ी झील भी लैगून झील है। ठीक है, इस झील में जो वेम्बनाड झील है, इस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। इसी द्वीप पर भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH-47A वो इसी झील पर पड़ता है। ठीक है, कौन सी, जो ये वेम्बनाड झील है ये वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। ठीक, कोडाइकनाल तमिलनाडु में स्थित एक कृत्रिम झील है। कोडाइकनाल ये तमिलनाडु में स्थित एक कृत्रिम झील है जो हमने खुद बनाई है। एक होती है नेचुरल, एक होती है हम खुद बनाते हैं। केरल के लैगून झील को, केरल में लैगून झील को कयाल कहा जाता है। ठीक है, और केरल की कौन सी है, अष्टमुदी झील है, ये लैगून झील है और इसको कयाल कहा जाता है। नेक्स्ट, चपनाला झील। चपनाला झील कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में। ठीक, नक्की झील ये राजस्थान में है और ये मीठे पानी की झील है। ठीक, पेंगोंग झील जो लद्दाख में है, ये पेंगोंग झील को लेके ही अभी 2020 में इंडिया और चीन के बीच जो लड़ाई छिड़ी थी वो इसी झील पर हुई थी, पेंगोंग झील पर। भारत की सबसे लंबी झील केरल की वेम्बनाड है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सबसे लंबी झील वेम्बनाड। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील, खारे पानी की सांभर झील, और कृत्रिम झील कौन सी है, कोडाइकनाल है। और सबसे, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, चोलामू। ठीक, और भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड केलर, जो ऐसे लेंथ में लंबी है, एक होती है ऐसे चौड़ी, एक होती है लंबी, तो ये लंबी है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित चोलामू। भारत की सबसे कृत्रिम झील जो सबसे पुरानी है और कृत्रिम है, जो हमने खुद बनाई है झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। एक उत्तराखंड में रूपकुंड झील है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रूपकुंड झील, ये रूपकुंड झील को माई मिस्ट्री लेक भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इस लेक के पास ही ना बहुत सारे कंकाल मिले थे, जो अभी तक ये नहीं पता किसके कंकाल हैं, वे बहुत ज़्यादा रहस्यमय वाली झील है। सूरजकुंड झील ये हरियाणा में है। झीलों का शहर किसको कहा जाता है, उदयपुर को। ठीक है, तो आज हमने झीलों के लिए हमने पढ़ा था भारत की झीलें, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मेरी वीडियो सभी ना सभी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है काफ़ी, जैसे टैट हो गया, बीएड हो गया, और DSSB हो गया, UPSC हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सारे वीडियोस GS उसमें आती हैं काफ़ी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।